देखो कैसे मुंह फुला कर रही, देखो देखो ये इसलिए बराबर करा दिया अभी। तो गाइस इन सारे पत्तों पे मैंने साइन कर दिया है, उधर भी है मिट्टी के नीचे। और अभी देखो लाइट कटी है, मनसे पापा को इतना नींद आ, रात में जागे थे ये। इस सवाल जवाब करती है, मसाला गिर रहा है इसको। हेलो फ्रेंड, मैं काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कैफे लाइफ ब्लॉग में। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज हम लोग लेट थोड़ा सोए रह गए, अभी तो 6 बज रहा है कि 5 बज रहा है, इसे सुबह उठना चाहिए था, बट रात में मिट्टी गिरने के चक्कर में जागे थे। और अभी हमारा मिट्टी गिरा है, मानसिक पापा लिख रहे हैं उसी पे टास्क पे, क्योंकि आएगा तो बारी बारी से देना पड़ेगा। अभी दो ट्रैक्टर इधर गिर गया है और इधर हमारा ना छोटा छोटा टूकी ईंटा था, उसको अभी साइड करना है, तो चलिए हम साइड करते हैं। अभी तो कोई है नहीं लेबर वगैरह, हम ही दो लोग हैं, तो ये लिख रहे हैं और हम चल रहे हैं उसको साइड करने। एक टाली लिया तो उसी पर गिरा दिए हैं, दो टाली आए तो एक हम थे तो उधर आया है, एक घर में थे तो एक ही टाली आया था तो उसी पर लिया के गिरा दिए, आधा बचा है तो उसको साइड कर लेते हैं, इधर उधर भी सारा ईंटा साइड कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए हमारे ब्लॉग पर आप लोग बने रहिए। तो गाइस रात को ना मैं करीब 3 बजे तक जगा हुआ था, क्योंकि रात को ये मिट्टी गिरने वाला था हमारा, तो फेल हो गया क्योंकि ट्रैक्टर वाले सभी सो गए थे, तो फिर मैं भी आगे सो गया। और अभी हमारा मिट्टी गिरना स्टार्ट हो गया, तो काजल ईंट वगैरह निकाल रही है, उधर भी है मिट्टी के नीचे। ए, हम लिख रहे हैं सब, देख पड़े आसानी हो, तहार साइन सब क्यों कर दे, सब कोई कर देगा तुम्हारा साइन। एना तो गिरवे करे, रुको कॉल कर रहा हूँ भैया, भैया आएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ आपको विनोमो ऐप के बारे में। विनोमो ऐप एक हॉनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप एडिशनल इनकम कर सकते हो और डेली का छोटा मोटा खर्चा आसानी से आप निकाल सकते हो। इंडिया में 2 मिलियन लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप एसेट सिलेक्ट कर सकते हो और अमाउंट पे जाके आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें 350 रूपए सिलेक्ट किया है। इसके बाद प्रेडिक्शन करना होगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैंने लगा दिया अप पर 350 रूपए, और देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, और ये लो मैं जीत गया 650 रूपए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें एक एजुकेशन का ऑप्शन है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और मेरा प्रोमो कोड आप यूज करेंगे तो आपको 350 के डबल मिलेगा, यानी 700 रूपए, और अपनी इनकम को आप आसानी से पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 65,000 रूपए डेमो अकाउंट में, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विनोमो ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस इन सारे पत्तों पे मैंने साइन कर दिया है और इसको रख, इसको यहीं पे रख देंगे, जितने ट्रॉली आएगा ना एक एक देते जाएंगे। और बाकी इस पे कुछ नंबर मैंने लिखा है, इसको कट करते जाऊंगा, 50 तक लिखा हूँ, तो जितना ट्रॉली आ जाएगा उतने पे मार्किंग करते जाऊंगा। ऐसे में सही होगा, हमें भी पता चलेगा कितना ट्रॉली गिर चुका है। और ये कार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि अनेकों ट्रैक्टर है ना, तो अब उन सब में किस ट्रैक्टर का ज़्यादा राउंड हुआ, किसका कम हुआ, तो इससे पता चल जाएगा। जिसके पास ज़्यादा कार्ड होगा उसका ज़्यादा राउंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अभी तो दो ही हैं। कोई काम नहीं है, फिर भी एक एक ईंट ले जाकर उधर, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बहुत बड़ा काम कर रहे। नहीं तो उधर ले जाने से अच्छा इसमें अंदर डालो ना, इसमें जोड़ा ही नहीं होगा, इसमें माटी अभी थोड़ा ना लगा, तब तक आ नहीं जाएंगे मिस्त्री लेबर, उधर सरिया हल हल जाएगा तो हो जाएगा काम। भाई मेरा भी हिंदी थोड़ा सा लड़खड़ा आ जाता है, क्या करें हल जाएगा, वही होता है हल जाएगा, चुभ जाएगा, है ना। अरे उठो जल्दी उठा, करो करो करो, रात को तो बड़ी नाक पक गुस्सा था ना, करो भाई। अभी ठंडा मौसम है, सारा काम कर लो। मैं तो इधर मैं कार्ड बांटूँ, नंबर नोट करूँ या ट्रैक्टर नोट करूँ, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ इधर हमेशा तो पत्नी ही काम करवाती है, बस कभी पत्नी से काम करवा के देखो कितना मजा आता है हमेशा तो पति ही काम करता है, मजा आता कैसा, ऐसे ढींग चिका चल रही है धीरे धीरे, उसके बाद से ढींग चिका एक ईंट उठा रही है, उतना दूर ले जा रही है, उतना रिस्क लेके सरिया निकला हुआ उधर, और एक ईंटा फेंक के आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जंग में कोई मतलब कि एक मैदान में जंग जीत के आ रही है। देखो अरे 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 दू बोने के उठो, देख मारे अब होता ना तो लेकर जाते हैं जैसे उठा फेंका जाता ना जी
यही पे हम लोग दिया जलाते हैं, देखो ट्रैक्टर आ रहा है गाना चलाते हुए। देखो अभी का उसमें पटरा में कील मारा हुआ है, प्लाई में पैर पड़ता चुभ जाता, चप्पल रोक ही नहीं पाएगा उसको। उसको रोकेगा वो जूता जो बाहर में जैसे कि ढलाई वाला होता है ना, वो वाला। तो ले आओ पाइप चलाओ, पानी मारो इस पे, मसाला गिरा होता है। हाँ मतलब ढलाइयों में बोरा बिछा हो जाए, प्लास्टर होता का वो। सवाल जवाब करती है, मसाला गिर रहा है इसको, तो बीम ढला है तो उसमें मसाला कैसे गिरेगा। ना कैमरे में ना फ्रंट वाले कैमरे में धूल मिट्टी जम गया था तो क्लियरिटी नहीं आ रहा था, इसलिए अभी साफ किया, तो अभी देखो अभी काफी क्लियर आ रहा होगा, है ना। कैसे देखो कैसे मुंह फुला के आ रही, देखो देखो ये दो रखा था वहाँ सरिया काटने के लिए। और बाकी गाइस जिसमें अभी गिरा है हमारा करीब 5 टाली मिट्टी, तो आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं, थोड़ा बताना कि वो नहर का जो लेवल है ना उससे 2 फुट ऊपर तक मिट्टी रहेगा, तो इसमें कितना मिट्टी आ जाएगा आप लोग कमेंट में बताना, कितना मिट्टी में ये आ जाएगा उतना ऊपर तक, वहाँ से पूरा नहर पर तक ये पूरा गड्ढा है। देखो एक एक टाली माटी गिर रहा है तो कितना नीचे तक जा रहा है, इसी हिसाब से अंदाजा लगा के आप लोग कमेंट करना। हमें तो अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कितना आ जाएगा इसमें, है ना। इससे भी ऊपर भरना पड़ेगा, इसका डबल, ये जितना जुड़ाई हुआ है इसका डबल जाएगा अभी। तो जाओ चाय वगैरह बनाओ और भैया को भी बुला दिया हूँ। अब वो पेड़ से उठ के दुपट्टा लिए थे और इधर ही आ गए थे जल्दी जल्दी की। हम तो 3 बजे सो के उठे, 3 बजे सोए थे सारी। तो जाओ चाय वगैरह बनाओ, चल के चीनी ले आए, चीनी ले आए थे नहीं। अभी अनुज को भी बुलाया हूँ, भैया को भी बुलाया हूँ ताकि थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, मैं भी जाऊँगा फ्रेश वगैरह होऊंगा अभी। ये लो मोहतरमा, बेटा पूरी क्या हो रहा है ये? तो गाइस मान से शॉक हो गए एकदम से कि ये हो क्या रहा। गाइस अभी 30 ट्रॉली माटी गिर चुका है और उसके बाद से वो लोग दूसरे की माटी गिरा रहे हैं, इनका मतलब है कि सबका फंसा कर रखे ताकि कोई भाग ना जाए कहीं। तो अभी ये अब हमारा मिट्टी शाम से स्टार्ट होगा फिर गिरना, और बाकी अभी पैसे वैसे की व्यवस्था करना है। बाकी उस रोड के लेवल से गिरवाना है तो काफ़ी मिट्टी लगेगा, मेरे ख्याल से 150-200 टाली लगेगा, है ना। तो फ्रेंड अभी दोपहर का 2 बज रहा है और अभी तक लाइट कट गई मन से पापा को, इतना नींद आ रहा, रात में जगे थे ये और इतना नींद आ रहा है कि पहले कुर्सी पर सोए, उसके बाद एक आंटी बिछा के सोए हैं और मानसी उधर वो भी जग गई है गर्मी से, इतना ज़्यादा गर्मी। और डेली का डेली 10 बजे से लाइट कटना स्टार्ट होता है, कटता है और आता है, कटता है आता है और अभी तो 1 बजे से कटे कटे 2 बज गया, अभी तक लाइट नहीं है, इसलिए बेचारे नीचे बिछा के इतना पसीना पसीना होके सोए हैं। ये देखो पूरा चमक रहा है पसीना से, देखते हैं कब तक लाइट आता है। वैसे अभी शाम हो गया है और मैंने अभी दीवार पे पानी दे दिया है, पानी मार दिया था, और काजल अभी अंदर है, मानसी को बहला फुसला कर रखी है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो बाहर जा रही। और गाइस हमारा मिट्टी ना 3 ट्रॉली ही गिरा था अभी, सॉरी 30 ट्रॉली, तो 30 ट्रॉली अभी गिरा था और बाकी अभी गिरेगा रात में, इसलिए मैं दिन में ज़्यादातर सो गया था क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि रात भर जगना है, इसलिए मैं दिन में सोया था और आज रात भर जगूंगा। बाकी आप लोग को अगले वीडियो में देखे होंगे थोड़ा बहुत आवाज़ जो है बहुत ही फास्ट चल रहा था और ऐसे बच्चे जैसा आवाज़ आ रहा होगा, तो वो इसलिए ना क्योंकि ट्रैक्टर वाले सब गाना बजा रहे थे और हम थोड़ा सा फास्ट कर दिए ताकि क्लेम ना आए, नहीं तो क्लेम आ जाता इस वीडियो पे, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट किए हैं। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है रात को क्या हुआ। ये देखो कैमरा कर रहा हूँ तो कैसे रो रही, देखो। तो गैस अभी दूध ला रहे 1 लीटर उबाला जा रहा है, बाकी आधा रख देना कचल, रात में मिट्टी गिरेगा चाय वाय बनाएंगे, पता नहीं रात भर जगना पड़ेगा, इस बात का और टेंशन है। और पैसे वैसा भी है नहीं, मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है, पैसे मांगेंगे तो देंगे कहाँ से, अभी कल हो सके कल या परसों में व्यवस्था हो पाएगा।
मानसी के लिए दूध गर्म कर रहे थे और काजल अभी इसको ठंडा कर रही है। मानसी गई जल्दीबाजी में लेने, काजल ने थोड़ा सा डांट सुना है, मानसी आके मेरे पास सोई थी। पीलो। और कोई भी डांट सुनाता है ना, जैसे काजल सुनाएगी तो मेरे पास मानसी आ कहेगी मम्मी त्या, और मैं सुनाऊंगा तो काजल के पास जाकर कहेगी पापा त्या। ये पता ना क्या है, यानी कि छिया, हम लोग छिया है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और ये नेक्स्ट डे है। अभी जेसीबी से इसको वो करा रहे हैं, क्या कहते हैं, बराबर करा रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल बहुत ही तेज बारिश आने वाला है। इधर देखो पूरा बादल हो गया है, हवा चलने लगा ठंडा ठंडा। ओ माय गॉड, बहुत ही तेज बारिश आएगा, इसलिए बराबर करा दिया। अभी और मिट्टी गिरने वाला था, देखो ट्रैक्टर भी आ गया जेसीबी, बट अभी बहुत तेज बारिश आएगा, मेरा मिट्टी में पूरा पानी पानी हो जाएगा। सो गाइस अभी सुबह का 10 बज रहा है और काफ़ी माटी हमारा गिर चुका है, करीब 54 ट्रॉली, और वो लोग अभी चले गए हैं। अब शाम को शायद गिराएंगे, ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही, देखो यहाँ पे फोन से बहुत दर्द कर रहा है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।